हेलो एवरीवन, दिस इज विवेकानंदा। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप माय एक्टिविटी का क्या बेनिफिट है। आप सपोज दैट अगर कोई टॉपिक आप सर्च करते गूगल में, तो गूगल में आपको यहाँ से जा करके हिस्टोरी में जाओगे तो कोई टोटली डिटेल यहाँ से मिल जाएंगे, स्टोरी मिल जाएगी। सामने देख रख सकते हो कि स्टोरी आपका है। ओके, अगर मैं इसको जूम करूँ तो वन टाइम्स मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये आप देख सकते हो। चलो ये नहीं हो पा रहा, तो मैं आपको बताऊंगा कि माय एक्टिविटी का क्या बेनिफिट है, क्योंकि स्टोरी तो सबको पता रहता है कि स्टोरी में जाकर के जो चीज़ हम चेक करते हैं, जो डेटा चेक करते हैं, वो डेटा स्टोर रहता है। लेकिन अगर आप जाओगे तो गूगल में भी जाके आप अपने एक्टिविटी को सर्च कर सकते हो। आप जो भी डेटा सर्च करोगे वो गूगल में स्टोर रहता है, हम उसे परमानेंटली रहता है, उसे हम डिलीट नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी अगर आप एक्टिविटी सर्च करना चाहते हो गूगल में जा कर के, तो वहाँ पर आप गूगल में जा कर के लिखोगे माई एक्टिविटी। ओके, माई एक्टिविटी, आप माई एक्टिविटी लिख करके सर्च करोगे, एंटर प्रेस करोगे, तो वहाँ पर आपको वेलकम टू माई एक्टिविटी जो फर्स्ट साइट आपका आएगा, वहाँ पर जाकर के अपने सारे डिटेल को क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा कि आप अपने मोबाइल्स का जो हिस्टोरी है उसको ना चेक करके अगर आप माई एक्टिविटी का चेक करोगे सपोज देट, तो आपको टोटली डिटेल आपको इसमें से मिल जाएगा। सो आप ये देख पा रहे होगे कि मैंने माई एक्टिविटी पे गया, तो माई एक्टिविटी पे मुझे टोटली डिटेल यहाँ पर मुझे पता चल गया कि यहाँ पर माई एक्टिविटी पे किया। अगर मैं आज के दिन में जो मैंने डेटा जो चेक किया हूँ, आज के दिन का, टुडे का, आज का डेटा अगर मैं डिलीट करना चाहूँ, तो यहाँ पर लिखा है डिलीट फॉर टुडे, ये लिखा हुआ है, तो आज का डेटा आप यहाँ से डिलीट कर सकते हो। ओके, देखो यहाँ का लिखा वन डे डिलीटेड, यस्टरडे, यस्टरडे मीन्स कल का अगर डिलीट करना चाहते हो तो यहाँ पर कल का भी ऑप्शन आ रहा है, तो कल का भी यहाँ पर डिलीट कर सकते हो, डिलीटेड हो गया। मार्च 30 का जो मैंने डेटा सर्च किया अपने गूगल में, गूगल के सॉफ्टवेयर में जाके, तो वो भी मार्च 30 का ही डिलीट कर दिया। इफ़ यू वांट टू डिलीट द डेटा ऑफ मार्च 29, तो मार्च 29 का भी आपका डेटा डिलीट हो गया। मार्च 28 का यहाँ से देख सकते हो कि डिलीट एक्टिविटी बाय कब से लास्ट, कब से कब तक आपको डेट, आपको डेटा आपको डिलीट करना है एक्टिविटी, तो यहाँ पर लास्ट आवर के भी आपका है, लास्ट डे का है, ऑल टाइम का अगर डिलीट करना चाहते तो ऑल टाइम का भी हो जाएगा। कस्टम रेंज इसमें से बताना चाहते हो तो रेंज बताओ कि कब से कब तक लेकर के आपको डेटा डिलीट करना है, तो उसके अकॉर्डिंग आप माई एक्टिविटी में जा करके सारे डेटा को डिलीट कर सकते हो। तो आई थिंक ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपने एक्टिविटी को कंट्रोल करना चाहते हो तो यहाँ से अपने एक्टिविटी को भी आप कंट्रोल कर सकते हो। ओके, सो ये आपके लिए बेस्ट था कि आपने, आप हिस्टोरी को ना चेक करके, हिस्टोरी को तो आप डिलीट कर देते हो तो हिस्टोरी आपका सिस्टम से डिलीट हो जाएगा, और अगर गूगल पे जाकर सर्च करते हो माई एक्टिविटी, तो माई एक्टिविटी पे आपको टोटली डिटेल आपको पता चल जाएगा कि आपने वन ईयर में या टू ईयर में आपने क्या आपका हिस्टोरी रहा है, तो आपके टोटल डेटा आपको वन या टू ईयर्स का जब से आपने जो सिस्टम यूज़ किया है उस टाइम का आपको हिस्टोरी सारे मिल जाएंगे। ओके, सो आई थिंक ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हुआ होगा। सो थैंक यू सो मच टू वॉच माई वीडियो, एंड आई एम रिक्वेस्टिंग टू एवरी वन सब्सक्राइबर दैट प्लीज़ ऑलवेज शेयर माई वीडियो, बिकॉज इट विल बिकम वेरी हेल्पफुल फॉर मी। And if you have required any topics, then you may provide, you may send your topic on my WhatsApp number. I have already provided my WhatsApp number in the description box of every video. So thank you so much. Lot of thanks.